बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि सुअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने न्यू टेस्टमेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते, ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहि सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर, एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहि सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहि सलाम ने कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सुअर खाना अच्छी बात है, इससे सुअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहि सलाम कहते हैं न्यू टेस्टमेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law or the prophets, I have come not to destroy but to fulfill, and not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled, and anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven, and whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20 of King James version. I am speaking from my head, God given computer, you can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. Ek bhi cheez jo Old Testament mein likhi hai, agar aap usko todte hai, to jannat mein jayenge nahi. Wo to Saint Paul aur baaki log aaye aur fir badalne ki koshish ki. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. Hame manna chahiye Isa alaihi salam ka kehna, Saint Paul ka nahi. Isaiyat ke bare mein baat kar raha hu main, Paulinity ke bare mein nahi. Sister, agar aapko acha Isai banna hai to aapko suar ka gosht nahi khana chahiye. Agar khayenge तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की। मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहि सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। यू हैव टू बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इफ यू डोंट बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यू आर नॉट अ गुड क्रिश्चियन। यू हैव टू फॉलो द लास्ट एंड फाइनल रेवलेशन, दैट इज द ग्लोरियस कुरान, एंड देन ओनली कैन यू एंटर हेवन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। माइक नंबर 3 से सवाल करें। माय नेम इज राकेश भोसले, आई एम अ फार्मेसी स्टूडेंट। माय क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती है पहले वो तस्करा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो द प्राइमरी नेब्यूला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स,
सन मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं, इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है, सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लजीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लजीना कफरू अन समावाति वल अर्दा कान जरत कम सकता हूं मां, के द हेवन एंड द अर्थ ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज यानी कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 ईयर्स बैक, 40 ईयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया कुरान एंड मॉडर्न साइंस कंफ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और इसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया कि जो चीज साइंस आज जान रही है कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक ऑथर इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है। माइक नंबर 5 से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अ हिंदू, माय नेम इज सुप्रिया पाटिल। माय क्वेश्चन इज दैट आई बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बट एज वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट वी हैव टू वर्शिप इन फ्रंट ऑफ द आइडल्स, बट there's a good belief in my heart that there is no other god but there is only one god, and as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of god, so is it like different if we just bow down in front of the idols but there is the faith in and believe in the heart that there is only one god, and where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the holy Quran, because if we follow the Vedas then we can't follow down the path of Islam, so where is it in the Vedas that we have to follow the holy Quran, like to be in the similarities? Behan ne do sawal kiya hai, pehla sawal ke wo manti hai ki khuda ek hai lekin wo दिल में मानती एक लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को, तो क्या यह जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश होंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो, गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। ये वेद में भी लिखा है, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसके मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा एक है लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालदेन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा, कोई भी गुनाह करे शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखा है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो
हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं, अगर 5 चीजें मिलते जुलते हैं तो जो चीज मिलते जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे या मैं से। तालविला कल मितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पर आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेट डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2+2=3, 2+3=4, 2+2=5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यक्षा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा जो कुरान का जिक्र है। वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप ग्लास का पानी पियेंगे? पियेंगे नहीं पियेंगे। आप जानते हैं उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीगा? उसी तरीके से यह वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेगा, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें। आई एम सुरेश चोपड़ा फ्रॉम स्कॉलर बैच 7। माई क्वेश्चन इज देयर एनी रेफरेंस और प्रूफ ऑफ जजमेंट डे इन रिलीजन्स अदर देन इस्लाम? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में, बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ, हर नफ्स मौत को चखेगा। लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। माय नेम इज सागर सूर्यकांत वाघमारे। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट द बुक सेंट बाय द गॉड फॉर दैट पीरियड, बट वेयर इट इज रिटन दैट कुरान इज द लास्ट बुक सेंट बाय द गॉड? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंट बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5-6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगे? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में
कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितने किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी।